आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। ये एक बहुत ही स्ट्रेंज केस है जहां पे पहली बार एक ऐसे बच्चे की कस्टडी के लिए केस लड़ा जा रहा है जो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ, और दोनों ही पार्टीज दिल से उस बच्चे की खुशी के लिए केस लड़ रहे हैं। शायद आप लोगों को याद नहीं, पर कुछ सालों पहले आपकी बेटी पिहू की कस्टडी का केस भी मेरी ही अदालत में आया था, इसलिए मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप दोनों ही बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स हैं। लेकिन अभी एक इंसान की बात सुनना बाकी है, और वो है इस बच्चे की माँ। तो अब मैं चाहती हूँ कि रोशनी आप आगे आके अपना बयान दें, क्योंकि आफ्टर ऑल इस केस का फैसला आपके बयान पे ही निर्भर करता है। आपको पूरा हक है बताने का कि आप किसके साथ रहना चाहती हो, क्योंकि आफ्टर ऑल इस केस का फैसला आपके बयान पे ही निर्भर करता है। सब मुझे सोचने का थोड़ा वक्त चाहिए। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। ये दोनों लोग मेरे बच्चे का भला चाहते हैं। प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं सोच के जवाब देना चाहती हूँ। तुम्हें कल तक का वक्त दिया जाता है रोशनी, तुम कल तक कोर्ट को अपना फैसला बता सकती हो। हम आगे की कार्यवाही उसके बाद ही करेंगे। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। मतलब अब सब रोशनी के हाथ में है। पता नहीं अब रोशनी कल क्या बोलेगी। दादी सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप इतना परेशान मत हो। जीजू व्हाट डू यू थिंक, आप आपको क्या लगता है? आई डोंट नो इट। पापा ने भी फैसला रोशनी के हाथों में छुड़ा दिया। अपने घर के चिराग को घर लाना चाहती थी, मगर लगता है ये आखिरी मौका भी मेरे हाथ से छूट रहा है। तोशी जी इतना नेगेटिव मत सोचो। अरे कल तक का टाइम है ना रोशनी के पास, सब ठीक हो जाएगा। मैं जानता हूं तो मुझे रोशनी से बात नहीं करने दोगी, लेकिन मुझे उससे मिलना है अकेले में। जज ने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था, ये फैसला रोशनी का है, तो ना मैं उसे उसका फैसला लेने से रोकूंगी और ना ही किसी से बात करने से। रोशनी अंकल आप मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करने आया, इस बार प्लीज अपने दिल से नहीं दिमाग से सोचो, कोई इमोशनल डिसीजन मत लेना। लुक मैं जानता हूं कि मेरी बातों से तुम्हें लगता है कि मैं बहुत सेल्फिश हूं, लेकिन मैं कोई जल्लाद नहीं हूं जो एक माँ को उसके बच्चे से दूर करना चाहता हूं। मैं प्रैक्टिकली सोच रहा हूं, कुछ सालों बाद शायद तुम इस बात को समझ जाओगे कि आई वाज राइट। रोशनी उस घर में तुम्हें वो प्यार वो इज्जत कभी नहीं मिलेगी जो एक बहू को मिलनी चाहिए, क्योंकि तुम उस घर की बहू नहीं हो, आलिया है। लेकिन द फैक्ट इज कि ये बच्चा तो आदि का है ना। बैठो प्लीज। देखो रोशनी मैं जानता हूं कि जब बच्चों को मां बाप से दूर रखा जाता है तो उन पे क्या बीतती। मेरा डिवोर्स हुआ था ना, तो मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं थे। मैंने देखा है कि जब बच्चों को प्यार नहीं मिलता ना तो बच्चों की जिंदगी बिखर जाती। मैं जानता हूं कि ये तुम्हारे बच्चे के लिए अनफेयर हुआ कि वो अपनी माँ से दूर है, लेकिन जब तुम लंदन में होगी तो तुम अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर सकती हो। और इस बच्चे को यहाँ प्यार करने वाले कितने लोग हैं पता है? मैं हूँ, आलिया है, मम्मी पापा रोमी मेहका, पूरा परिवार मिलेगा उसे। रोशनी मेरा बेटा चला गया, आदि के साथ साथ उस घर की खुशियां चली गई।
उस घर में एक अजीब सा माहौल हो गया, कोई हंसता नहीं है, कोई मुस्कुराता नहीं, और हमारे घर की खुशियां लौटाने का ये आखिरी तरीका, आखिरी उम्मीद। मम्मी जी को वादा कर चुका हूं और मम्मी जी टूट जाएगी। उसे ना तुम्हारे हाथ जोड़ता, प्लीज। मैं जानती हूँ मेरी वजह से सबको बहुत तकलीफ पहुंची है। मैं एक ऐसा फैसला लेना चाहती हूँ जिससे सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। मैं और किसी को और गम नहीं देना चाहती अंकल, पर मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। मैं किसी के प्रेशर में आके फैसला नहीं लेना चाहती। रोशनी, मुझे इस वक्त तुमसे कुछ भी नहीं कहना चाहिए। मैं भी माँ हूं ना, सलाह दिए बिना नहीं रह सकती मैं। मुझे लगता है तुम्हें रमन की बात मान लेनी चाहिए। क्या कह रही है शिमा? आपने मुझे और बीबी को अपने साथ रखने के लिए इतना कुछ किया, और आप कह रही है मैं अपना बच्चा भल्ला उसको दे दूं? रोशनी, मैं रमन से दूर रहती हूँ, लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ, पर मैं उन्हें टूटते हुए नहीं देख सकती। आदि के जाने के बाद बहुत कमजोर पड़ गए हैं, और उन्हें कमजोर किया है मैंने। रोशनी, मैं इस बच्चे की कस्टडी इसलिए चाहती थी ताकि मैं उसे सेफ रख सकूं, ताकि उसे बहुत प्यार मिले, वो तुम्हारे साथ रहे। मैं उसका बहुत ख्याल रखना चाहती थी, लेकिन असल में देखा जाए तो वो बच्चा एक भरे पूरे परिवार में ज्यादा खुश नहीं रहेगा। जहां उसके पास सब कुछ होगा, इसे पाके मैं कहीं ना कहीं भल्ला से इसे छीन रही हूं, वैसे ही जैसे मैंने उनका बेटा उनसे छीन लिया था। मैं कौन होती हूँ ये सब डिसीजंस लेने वाली? रोशनी, I can't be selfish. मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ, अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर रही हूँ या वापस अपने आदि को अपनी गोद में उठाना चाहती हूँ, समझ नहीं आ रहा। लेकिन जो भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। ये बच्चा एक अच्छी जिंदगी डिजर्व करता है, और रहा सवाल तुम्हारा रोशनी, बहुत अच्छी है। मुझे पता है जब तुम उस घर में जाओगी, उन लोगों के साथ रहोगी, तुम उनके दिलों में वैसी ही जगह बना लोगी जैसे तुमने मेरे दिल में जगह बनाई है। वो जो तुम्हें देखेंगे, समझेंगे, वो एक माँ को अपने बच्चे से कभी अलग करेंगे ही नहीं। वो लोग लाख लड़ाई करें, झगड़े, पर मैं जानती हूँ रोशनी, दिल के
अच्छे हैं वो लोग, कभी किसी को तकलीफ नहीं दे सकते हैं। That's it. तो तुम्हें अपने बेबी को लेके उनके पास रहना चाहिए। परिश्रमा, हम चले गए तो क्या आप जी पाएंगे हमारे बिना? जी लूंगी। कैसा प्यार है इन दोनों का, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं पर एक दूसरे को दर्द में नहीं देख सकते। गॉड, अब मैं क्या करूं? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।